मॉर्निंग, सुबह का टाइम है ये, हम जागे हुए हैं अभी। हम 4 बजे रात को सोए हुए हैं, तो अभी फिलहाल हम इस टाइम जागे हुए हैं। ये अब जा रहे हैं हम फ्रेश होने, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह कोई भी खाली है नहीं। तो अब जाएंगे दूसरी जगह, वहाँ पे हम रेडी वगैरह हो जाएंगे। तो ऐसे ठंड भी बहुत है अब फिलहाल, आज धूप निकली हुई है, देखते हैं कैसा रहता है दिन का। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम, तो रेडी रेडी होके फिर मिलते हैं आपसे। हम सब रेडी होके अब निकल पड़े हैं वापस शादी में। फिलहाल अभी देखते हैं कि कैसा मज़ा रहता है हम शादी में। मेरे ख्याल से अब रात अभी तक निकल गई होगी, उनको 11 बजे निकलना था, वैसे हम बारात के साथ नहीं गए हैं। अब बाकी देखते हैं, इंजॉय करते हैं हम बाकी शादी। ये है इसका अयान साहब, मेरे मासी का लड़का है, ठीक है। तो बाकी अब चलो ठीक है, अब चलते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं आपको रोड का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यहाँ पर जो है बाकी सारी तैयारियां हो चुकी है खाना बनाने की। हाँ, ये वैरायटियां बन चुकी है यहाँ पे। अब फिलहाल ये सबसे पहले इसको, ये क्या बना है? मेथी बना है। अच्छा, ये मेथी है बना हुआ, इसको ये बहुत ही मतलब सबसे पहले प्लेट सर्व करते हैं, उस टाइम पे डालते हैं। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे रिश्ते भी रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो उसे देख लो, इसको मैं खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप देख सकते हो ये रिश्ते हमारे भी तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट डिश की तरफ चलेंगे हम अगले, और अभी ये रेडी हो रहे हैं। ये हमारा गोश्त, ये हमारा दुप्याज हम कहते हैं, ये कश्मीरी में इसको दुप्याज कहते हैं। हाँ, ये कश्मीर में दुप्याज इसको कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप कलर देख सकते, टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और क्या भी बनाया हुआ है, और ये है कोरमा, ये हमारा कोरमा बना हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है देखने में भी, और खाकर भी देखेंगे कैसा लगता है आप सबको, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना। और ये हमारे ये रिश्ते हैं बड़े, यखनी के रिश्ते हैं ये भी, और ये बहुत ही ज़्यादा आप देख साइज कितना बड़ा बनाया हुआ है, ये देख लो आप, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखते हुए भी आप इसको। चलो और बाकी अभी चीज़ें, अभी ये बाद ये हमारे कबाब आ गए, ये भी गेस्टों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे कबाब, अब इसको भी हमें टेस्ट करेंगे। अंकल ने हमें दिखाया, आप देख सकते हो ये सारा यहाँ पे सेटअप कश्मीर का, तो बहुत ही ज़्यादा ये चावल वगैरह यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, ये चावल भी सब बन चुके हैं, इसके बाद सर्व होंगे। अब बाकी आप देख सकते हो, ठीक, बहुत ही अच्छा मतलब स्टार्ट हो चुकी है हमारा। ये जो रस्म होती है, ये हार वगैरह डालते हैं इसको, तो इसके बाद दूल्हा निकलेगा फिर, तो ये पहली रस्म हमारी हार डालने वाली स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल अब ये देखिए, अब जब तक हार डलेगी, अब एक फर्स्ट प्रेजेंट दूल्हा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, तो आप देख सकते हो। तो बाकी अब देखते हैं, जब हार डल जाएगी दूल्हा निकलेगा उस टाइम पे, अब आपको ये रस्म वगैरह होती है जो सारे फैमिली वगैरह डालते हैं, तो ये चल रही है अब, ठीक, ओके। अया मतलब साहब ये चले हैं बारात के साथ, टन फन हो के चले हैं बारात के साथ।
कलर कलर ये हमारी यखनी आ चुकी है लास्ट आइटम बिस्मिल्लाह। ये हमारी यखनी बहुत ही बड़ा रिश्ता है फाइनल टच। अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा मैं YouTube फैमिली आज मैं बता रहा हूँ आपको हम इतने टॉप पे आए हैं इस टाइम जहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे इतने टॉप पे आ गए क्या इधर पास में बर्फ़ है और इस टाइम पे हम इधर घूमने आ रहे हैं। इस टाइम पे बारात चले गए हमने सोचा थोड़ा सा हम सफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो नीचे कितनी हाइट है और ये पूरा कश्मीर यहाँ से दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैं आगे जाकर आपको दिखा देता हूँ फिर अब यहाँ से वापसी में आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊँगा मैं रोड का। तो फिलहाल अब ये देख ले ये पास में यहाँ पर बर्फ़ है पड़ी हुई और यहाँ पर भी हवा ठंड अच्छी है और ये चुभने वाली ठंड है। यह हमारे भाई लोग शूट चल रहा है शूट बहुत ही अच्छे। ओके साहब फोटोग्राफी यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरामैन हमारे तालिब साहब। इसका इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा नीचे इसको फॉलो करें इससे आप कुछ भी पूछो फोटोशूट कैसे कर सकते हो वो पूछ सकते हो आप। ये साहिल अबे उसका नाम ही नहीं पता है भाई ताजिम सब शेयर करो आयशा सब्सक्राइब करो ठीक है ये बाबा की ओ बा ओ बावरा अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख सकते हो कि दुल्हन इंटर हो चुकी है तो बहुत ही ज़्यादा लेट इंट्री हुई है इनकी कोई 2:30-3 बजे जैसे इंट्री हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि कैसे खूबसूरत मंजर अब लग रहे हैं। तो दुल्हन की इंट्री हो चुकी है अब बाकी आगे का जो हमारा सिस्टम होता है यहाँ का तो वो देखिए आप कि कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करता हूँ उतना फास्ट नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा बहुत कर देता हूँ तो फिर आप देखिए कैसे इंट्री होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। शादी आ चुकी थी रात को और रात को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट शादी आई थी 3 बजे जैसे शादी आई थी रात के 3 बजे। और अब हम निकले हैं सारे घर के लिए सुबह हो चुकी है तो सुबह अब निकलेंगे हम घर के लिए और ठंड भी बहुत ज़्यादा हाथ मेरे इतने ठंडे हो चुके हैं तो पूछो नहीं क्या हाल है मेरा। तो
तो फिलहाल अभी हम घर के लिए निकलेंगे, तो अब लेट हो रहा है तो ठीक है। और बाकी सब कुछ नहीं, आपने पूरी जितनी वीडियो देखी उसके लिए शुक्रिया, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर बता देना कि कश्मीर की शादी कैसी लगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस, ओके बाबा। अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं जाम में, देखते हैं अब हाल हमारा क्या रहता है। जाम बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है, तो जाम से अब देखते हैं अब खुलेगा कब तक वो।